ये वीडियो एंड तक के जरूर देखना। एक छोटा सा आप लोग सरप्राइज, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में लिखा था, प्लीज ये देख के अनसब्सक्राइब मत करना यार। आई हैव अ सीक्रेट रिवील फॉर यू ऑल। हेलो देयर पीपल ऑफ इंटरनेट, क्या हाल चाल है। मेरा नाम है शारी के वॉरियर है ना, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल जिसका नाम है बीइंग वॉरियर। आज मैं कुछ मेरे दोस्तों को मिलने वाला हूँ एंड हम लोगों ने प्लान किया है कि हम थोड़ी बाहर निकलेंगे और थोड़ी फोटोग्राफी करेंगे। तो मैं आपको नेहरू सीवूड के अंदर कुछ ऐसे प्लेसेस बताऊंगा जहाँ पे आप अच्छी खासी फोटोग्राफी कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ और फटक से जाके चेंज करके आता हूँ, तैयार होके आता हूँ। टिल देन से ट्यून एंड वी आर बैक अगेन। सी मैं हो गया हूँ पूरा तैयार और मैंने पहन लिए बुरे कपड़े। अभी मैं कॉल करूंगा मेरे दोस्तों को और सीधा वहां मिलते हैं, ठीक है। बाहर के हालचाल तो कुछ सही लग रहे नहीं है क्योंकि भाई ऊपर है काले बादल और हो रही है यहाँ पे हल्की हल्की सी ड्रिजल। लेट्स सी आगे क्या होता है। तो गाइस आ गया हूँ मैं पहले बार मेरे दोस्त से मिलने और ये रहा। What is up, brother? Introduction to देखो अपना। All fine, brother. Hey, yo guys, what's up? Welcome back to my channel. ये है मेरा दोस्त फैजान, स्कूल टाइम फ्रेंड है। और अभी हम बढ़ रहे हैं फोटो शूट के लिए। सबसे पहला लोकेशन हम जाएगा पारसी खेल, तो मैं उसके बारे में लोकेशन आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। टिल देन एंजॉय द सिनेमैटिक्स। हेलो गाइस, तो हम आ गए हमारी सबसे पहली लोकेशन पे जिसका नाम है पारसी खिल और ये नेहरू सीवूड का छोटा दरनावा भी बोलते हैं। तो यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा मिलता है, हवा बहुत अच्छी आती है एंड यू ऑल मतलब यहाँ पे आके आपको एक नेचर से कनेक्टेड वाला फीलिंग आएगा। मैं आप लोग को इसका व्यू दिखाता हूँ। तो गाइस हमारा पहला लोकेशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम बढ़ रहे हैं हमारे सेकंड लोकेशन की तरफ, वहां पे आपको मिलते हैं सीधा। तो गाइस आ गए हम हमारी सेकंड लोकेशन पे। कहाँ है हम भाई, जरा एग्जैक्टली बताओ। रॉक गार्डन के यहाँ पे आपको यहाँ का सीनरी भी दिखाता हूँ, हैव अ लुक। A few moments later. तो गाइस हमारा ये लोकेशन पे शूट हो गया भाई। कैसा गया ये लोकेशन का शूट? भाई ये लोकेशन तो पिछले वाले से भी अच्छी लगी। ये बहुत अच्छी लोकेशन थी भाई। मेरा ऐसा मतलब एज अ पर्सन ओपिनियन है कि मेरे को ना खाली रोड ज्यादा अच्छे लगते हैं जो लॉन्ग स्ट्रेच। डेफिनेटली लॉन्ग स्ट्रेच रोड्स में बहुत अच्छे फोटोज आते हैं। अभी हम जा रहे हैं नेक्स्ट ऐसी लोकेशन पे जो मैक्सिमम लोगों का पर्सनली बहुत लोगों को पसंद आता है, ठीक है। तो मैं अभी लोकेशन रिवील नहीं करूंगा, सीधा आपको लोकेशन पे जाके दिखाता हूँ, ठीक है। सो सी यू देयर, स्टे ट्यून्ड गाइस, सी यू देयर। तो गाइस हम आ गए हमारे थर्ड लोकेशन के तरफ में। कहाँ है भाई ये लोकेशन, जरा बताइए भाई। ये लोकेशन सेक्टर 11 पहले रहा करता था। ओ माय गॉड, तो ये लोकेशन आप देखो कितना सही है। मैं आप लोग को दिखाता हूँ यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट किस तरह से मिलेगा। Two hours later. तो गाइस हमारा ये लोकेशन का भी शूट हो गया है भाई। बताओ भाई शूट कैसा गया ये लोकेशन का? शूट बहुत हार्ड गया है भाई। मतलब जैसे जैसे लोकेशन बढ़ रहे थे ना भाई, फर्स्ट लोकेशन सेकंड लोकेशन, वैसे ही शूट की भी क्वालिटी बहुत बढ़ रही थी और भाई फोटोज बहुत अमेजिंग आए था। कसम से बहुत हार्ड फोटोज है। फोटोज का अपन कहाँ अपलोड करेंगे भाई? इंस्टाग्राम पे है ना हमारे। फोटोज अपलोड होगी हम लोग दोनों के इंस्टाग्राम हैंडल पे और आपको हम लोग दोनों का इंस्टाग्राम का लिंक ऐसा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इस पे भी आ जाएगा, ठीक है। भाईजान हमारे ये भाईजान का जो है एक यूट्यूब का चैनल भी है, तो भाई हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में थोड़ा बताएगा भाई। आपके व्लॉगिंग चैनल के बारे में बताओ यार, ये तो मेरा टेम्पररी कंटेंट है।
तो भाई मेरा भी यूट्यूब चैनल है, उसका नाम है बॉर्न कंफ्यूज्ड व्लॉग, यहाँ पे ऊपर लिंक आ जाएगा आप लोगों को, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। मैं मोस्टली व्लॉग्स, चैलेंजेस एंड ऑल ब्ला ब्ला ब्ला, फोटोशूट्स एंड ऑल, मतलब सब तरीके के बेसिकली मैं कंटेंट डालता हूँ बेसिकली, लेकिन मेरा फोकस रहता है व्लॉगिंग की तरफ, मैं लाइफ स्टाइल व्लॉगिंग करता हूँ, तो आप चेकआउट कर सकते हो। टिल देन यू एंजॉय द सिनेमैटिक्स, क्योंकि अब हम बढ़ रहे हैं घर। हम शूट के लिए निकले थे कितना, 3 घंटा पहले कुछ, 3 घंटा पहले यस, हम 3 घंटे से सिर्फ बाहर घूम रहे हैं, 4 बजे से निकले हम लोग, एंड इट्स ऑलमोस्ट अभी 7 बज चुके, 7 o'clock यस। तो अभी हम जा रहे हैं घर के तरफ एंड हम बहुत ज्यादा टायर्ड है, तो आपको मैं घर के सिनेमैटिक्स बताता हूँ एंड यू ऑल कैन एंजॉय द सिनेमैटिक्स, जिसके बाद मैं आपको लोकेशन की फीडबैक्स भी दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। सो सी यू इन द होम, टिल देन सी यू देयर। And boom, we are back at home. Guys, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ यार, literally तुम बाहर देख सकते हो कि पूरी तरह से रात हो चुकी है। मैं सुबह के टाइम पे निकला था और मैं रात में घर पे आ रहा हूँ, तो इट्स लाइक मैं पूरा आधा दिन बाहर था एंड मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ एंड मुझे अभी बाहर भी जाने का, मेरे को घर पे थोड़े काम है, तो मैं अभी पहले तो मैं चेंज करके आता हूँ, ठीक है। तो मैं आपको मिलता हूँ चेंज करके, ताकि मैं आप लोग को जगह का रिव्यूज दे सकूँ। एंड मैं आ गया हूँ फिर से चेंज करके, एक छोटा सा आप लोग को सरप्राइज, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में लिखा था, प्लीज ये देख के अनसब्सक्राइब मत करना यार, आई हैव अ सीक्रेट रिवील फॉर यू ऑल, दिस इज माय फेस, बियर्डलेस। नाउ यू ऑल माइट बी वंडरिंग कि मैंने शेव क्यों किया है। इसका सबसे बड़ा रीजन बस यही है कि मेरा अभी रिसेंटली ग्रेजुएशन खत्म हुआ है एंड मुझे जॉब्स के इंटरव्यू के लिए ये शेव करना पड़ा, बिकॉज आई नीड टू लुक प्रोफेशनल, क्योंकि बियर्डेड लुक स्टार्ट में एक इतना अच्छा इंप्रेशन नहीं बनाता इंटरव्यू में, दैट इज माई माइंड सेट, आई डोंट नो वॉट यू ऑल थिंक। तो सबसे पहला लोकेशन है पारसी किलो, एक्चुअली में लाइक करता है सीवुड और सीबीडी के बीच में, तो आप रोड से जा सकते हो, जैसे आपके पास अगर बाइक है, आपके पास कार है, तो आप ये दोनों से जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप सीबीडी स्टेशन से उतर के एक 10 मिनट का वॉक लेके भी जा सकते हो। पारसी किल के अंदर कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है कि यहाँ पे आप कर सकते हो या यहाँ पे आप नहीं कर सकते हो फोटोशूट, आपको पारसी किल इतना बड़ा है कि आपको उसके हर जगह पे वेरियस लोकेशन मिल जाएगा, आप बस पारसी किल जाइए एंड वहाँ पे आप एक्सप्लोर कीजिए, आपको मुझसे ज़्यादा अच्छे भी लोकेशन मिलेगी। हमारा जो सेकंड लोकेशन है रॉक गार्डन, वो आता है नेरुल और सीवुड के बीच में, लेकिन ज़्यादा करके लोग जो सीवुड के ईस्ट साइड में गिनते हो, तो आप वहाँ पे बाइक से जा सकते हो या कार से जा सकते हो, अगर आपके पास ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप सीवुड के ईस्ट में उतर के एक ऑटो ले लो, प्रेफरेबल वो ज़्यादा अच्छा होगा। जो हमारा थर्ड लोकेशन था जो सबको पसंद है, वो वाला लोकेशन आता है सेक्टर 11, दैट इज नियर फूड वे इन नेरुल ईस्ट, आप वहाँ पे बाइक से जा सकते हो या फिर आप कार से जा सकते हो, आपके पास जो लोकोमोटिव है आप उससे जा सकते हो, लेकिन अगर आपके पास में ये दोनों अवेलेबल ऑप्शंस नहीं है तो आप नेरुल स्टेशन के ईस्ट साइड में उतर के आप एक 10 मिनट का वॉक ले लो या फिर आप एक ऑटो कर लो, दैट इज टोटली अप टू यू। मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताओ कि आप लोग को ये तीनों लोकेशन कैसे लगे, ठीक है। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, मेरा शक्ल देख लो यार, कैसे मैं शेव करके बैठा हूँ आप लोग के सामने बात कर रहा हूँ, प्लीज थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो प्लीज। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, सी यू गाइस।